Exposing nikah halala practice, which is being misused by Muslim clerics now to forcibly ask the women who've been divorced and want to marry their estranged husbands, pay, have sex with a stranger, and are asking for ransom money, as a book it can be called. Clerics have been caught on camera offering a one-night stand. नमस्ते और स्वागत है क्वेश्चनिंग माइंड चैनल पे. मैं हूँ आपकी होस्ट सागरका और आज बहुत स्पेशल एपिसोड है. आज मेरे साथ जुड़ी हैं आमना बेगम अंसारी, जो कि बहुत अपने माध्यम से बहुत पॉपुलर है और उनका काफ़ी लोकप्रिय चैनल है यूट्यूब पर अब तो. पर ऐसे वो रिसर्च एनालिस्ट हैं एक थिंक टैंक में और पसमंदा मुस्लिम आइडेंटिटी पर काफ़ी जागरूकता फैलाया है उन्होंने. इस समाज के काफ़ी मुद्दों पर बात करती हैं आमना. बहुत स्वागत है. नमस्ते. थैंक यू सारिका एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन. मुझे लगता है कि आप लोग बहुत काइंड है मेरे टूवर्ड्स, जो आप इतने अच्छे वर्ड यूज़ करते हैं, वरना मैं तो बहुत छोटी सी अदना सी लड़की हूँ एंड ट्राइंग टू स्पीक जो मैं बोल सकूँ और जितनी मेरी आवाज़ जा सके. थैंक यू. बस उसी आवाज़ के लिए आई एम श्योर बहुत लोग शुक्रगुजार हैं. पर मैं आपको इस इंट्रोडक्शन पर थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जाने में कहूँगी, क्योंकि हम लोग तो थोड़ा बहुत बोल देते हैं, एक मिनट में हो जाता है, पर ये जो एक आइडेंटिटी है और जिन मुद्दों पर आप बात करती हैं, बहुत पहचानी हुई मुद्दे नहीं है, मेन स्ट्रीम में आती नहीं है. आप तो खैर आप बोल रही हैं, शायद उसके बाद 3-4 लोगों को सुना है मैंने, कई सारे एक्टिविस्ट खड़े हुए हैं पसमंदा मुस्लिम कम्युनिटी से. पर सिर्फ इस समाज में नहीं, एक राष्ट्रवाद मुस्लिम की आइडेंटिटी पे भी कम लोग जानते हैं, कम लोग अवेयर हैं. कोई तकिया कह देता है, कोई मुसलमान ही आपको गाली दे देता है, तो फिर ये जो आपकी सोच है थोड़ी अलग है मेन स्ट्रीम से, तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा अपने हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए. देखिए क्यों हुआ, एक हर इंडिविजुअल अलग होता है, ये तो सबको पता है. तो अगर आप इंडिविजुअली अलग हैं या फिर आप सोचने की काबिलियत रखते हैं, समझने की काबिलियत रखते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता चीज़ों को तो अपने नज़रिए से देखने के लिए. लेकिन जो फ़र्क है वो ये है कि आज के वक्त में सोशल मीडिया हमें मिल गया है, जहां हम बिना किसी रोक टोक के अपनी बातों को आगे रख सकते हैं. तो मैं नहीं, मतलब अकेले मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं हूँ, मैं और भी बहुत लड़कियों को जानती हूँ जो काफ़ी लिखा करती थी ट्रिपल तलाक पे और काफ़ी बुखर थी, लेकिन पता नहीं क्यों धीरे धीरे उन्होंने लिखना छोड़ दिया. बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. कई बार आप अपनी खुद की लाइफ में मशरूफियत भी होती है, कई बार थ्रेट एंड वो तो नॉर्मल है जो आपको फेस करना पड़ेगा आपके कम्युनिटी से. तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया से मुझे मिली एंड जब मैं भी सोशल मीडिया पर आई थी, आई थिंक मैंने 6 साल या 7 साल पहले लिखना स्टार्ट किया था. एंड पढ़ती लिखती मैं उससे भी पहले थी, मतलब सोशल मीडिया पे ये पढ़ना वो जानना, आपका जो जो एक होता है ना सीखने का और लर्न करने का जो एक सर्कल होता है वो बहुत लिमिटेड था पहले. तो मुझ जैसे मुस्लिम लड़की का भी एक लिमिटेड था, डिस्पाइट इंडिया की सिटीजन होते हुए जहाँ आपको हर तरह के लोग मिलते हैं. इट्स नॉट कि आपको सिर्फ मुस्लिम लोग ही फ्रेंड मिलेंगे, आपके हिंदू फ्रेंड होंगे, इवन आपकी जो एजुकेशन है नॉर्मल स्कूल्स में वो बहुत ही सेक्युलर काइंड ऑफ एजुकेशन होती है. तो उसके बावजूद लेकिन बहुत सारी लर्निंग आपको नहीं मिल पाती जो सोशल मीडिया पर मुझे बहुत ही ओपनली सुनने को समझने को मिला. बट फिर भी मैं लिखती नहीं थी इतना, मैं ज़्यादा सीखती ही थी, क्योंकि लिखने में आपको एक बहुत आप एक्सपोज हो जाते हो, ये आपको लगता है कि मैं क्या लिखूँ, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, डोंट नो, कमिंग फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड जिसका कभी इस तरह की किसी चीज़ों से लेना देना नहीं था. मेरी फैमिली के लिए पढ़ाई एक ही एक टूल था अच्छी लाइफ जीने का, बेसिकली अगर आप पढ़ते लिखते तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी. तो एक वो क्लास होता है जैसे जो मैं अशराफ लोगों में देखती हूँ, उनके यहाँ बहुत अवेयरनेस है पॉलिटिक्स सोशल इशू सबको लेकर, वो हमारे यहाँ नहीं होता है उतना. अभी हम फर्स्ट सेकेंड जनरेशन हैं जो एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर एक और अलग हेजिटेशन होता है कि क्या लिखूँ. बट जो सबसे पहला चीज़ था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट किया या बोला कि नहीं लिखना ही पड़ेगा, वो था वीमेन इशू. क्योंकि जब मैं ओवरऑल पढ़ती थी, इवन जो मुझे फर्स्ट टाइम सोशल साइंस जो बोल रहे हैं स्टडीज से एक बहुत
अफेक्शन हुआ था वो था जब मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया था, उसमें भी जब मुझे 9th क्लास में मैं थी और विमेन का चैप्टर आया तो आई गॉट टू नो कि अरे औरतों को ये भी राइट नहीं थे, तो मेरे जो पैरों से ना कहते सारे जमीन खिसक गई कि ऐसी जिंदगी औरतें जीती थी। तो मुझे समझ में आया कि नहीं बदलाव हुए हैं पास में, तो अभी भी जो मुझे लगता है अनफेयर है वो आगे भी बदले जा सकते हैं। तो ये चीज जो था ना वो हमेशा से मेरे अंदर था कि औरतों की हालात को लेके बहुत कुछ करना है, एंड ओवरऑल था मुझे लगता था कि इंडिया में ओवरऑल भी विमेन अभी पब्लिकली उतना नहीं पार्टिसिपेट करती हैं। या आप एक सिंपल सी बात बताती हूँ, मैं स्कूल के अंदर मेरे साथ ये होता था कि सबका ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा कि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट डिसीजन है तो टीचर या प्रिंसिपल आएंगी और जो लड़के होंगे ना उनका पहले राय लेंगी, लड़कियां जैसे एग्जिस्ट नहीं करती। दिस वाज लाइक वेरी नॉर्मल थिंग और मुझे ये नॉर्मल नहीं लगता था। मुझे लगता था कि जस्ट बिकॉज हम लड़की हैं तो हमारा मतलब हमारे ओपिनियंस मैटर क्यों नहीं करते हैं। बट देन उसके आगे जब मैं पढ़ने लगी और मैंने सोसाइटी देखा तो मैंने देखा फर्दर आपको हर जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसमें भी मुस्लिम समुदाय की औरतों की तो बहुत ज्यादा बुरी हाल है। देन मैं समझने लगी कि डिस्क्रिमिनेशन भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होता है। लीगली आपको सबसे पहले राइट्स इक्वल हासिल करने होते हैं, देन आप सोशली उसके बाद वो धीरे धीरे आता है सोशल एक्सेप्टेंस जो होता है, एंड जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वहां पे किस तरह से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। तो इनमें मैंने देखा कि चलो लीगली ही नहीं हुआ है मुस्लिम वुमेन के पास तो सोशली हम क्या बात करेंगे, यू नो लाइक हिंदू वुमेन हैज ऑल द राइट, लीगली वो प्रोटेक्टेड है। आप मोस्टली आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देखो वहाँ रिफॉर्म हो चुका है, मुस्लिम्स का तो कभी होने नहीं दिया। देन आई गॉट टू लर्न अबाउट शाह बानो, तो शाह बानो के टाइम क्यों हुआ ऐसा। तो ये जो स्लोली स्लोली मैंने लर्न किया था तो वो मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर के एक पैशन था। एंड सोशल मीडिया पे मैंने बेसिकली लिखना स्टार्ट किया था मुस्लिम वुमेन के राइट्स पे, जहां मैं ट्रिपल तलाक को खत्म मतलब आई वाज लाइक बेसिकली तो मैं यूसीसी चाहती हूँ, बट चलो अगर यूसीसी का के तक पहुंचने के रास्ते में छोटे छोटे रिफॉर्म पहले तो वो हो जाए। एंड वहां से मैंने बहुत कुछ लर्न करना सीखा। मैंने सीखा कि किस तरह से जो लिबरल हिंदू वुमेन है जिनको मैं बहुत एडमायर करती थी, यहाँ तक कि लेफ्टिस्ट वुमेन भी जो थी, क्योंकि जो वो थोड़ी ज्यादा यू नो रिबेल मोड में जाती हैं, बट आपको कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि नहीं ज्यादा ही है सोसाइटी में, थोड़ा रिबेलियस तो होना पड़ेगा। बट उनको मैंने देखा कि किस तरह से जब मैंने बात करना स्टार्ट किया मुस्लिम वुमेन के राइट और चेंजेस में तो वो बिल्कुल मेरे अगेंस्ट खड़ी थी। एक मैं उनका नाम नहीं लूंगी, शी इज लाइक जेएनयू में ही पढ़ाती हैं या क्या है, बसु बसु करके हैं, सोशल मीडिया पे काफी अच्छी उनकी प्रेजेंस है। तो वो आके मुझे बड़े प्यार से बोलती हैं कि जब वुमेन को ट्रिपल तलाक मतलब दे आर सेइंग दे आर आस्किंग फॉर इट तो तुमको क्या प्रॉब्लम। सो मैंने उनको बोला कि हाँ मैंने बोला मैं भी तो मुस्लिम औरत हूँ ना और मैं शायद ज्यादा पढ़ी लिखी समझदार और अच्छे से अपनी बात को रिप्रेजेंट कर दूंगी कि क्यों मैं स्टॉकहोम सिंड्रोम की शिकार नहीं हूँ और वो है ठीक है। एंड इवन आप जब हिंदू वुमेन के राइट्स की भी अगर बात करें तो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको हिंदू वुमेन मिलेंगी जो बोले कि नहीं चाहिए हमको, तो वो चेंजेस तो धीरे धीरे आते हैं ना सोसाइटी में। तो नो मैटर जो भी मैं उनको आर्ग्यूमेंट दूं उनका बस यही था कि हिंदुत्व और हिंदू गवर्नमेंट ये सब कर रही है ताकि वो मुस्लिम मर्दों को सबक सिखा सके। मैंने बोला इस हिसाब से तो आई मीन जो भी वुमेन को प्रोटेक्ट करता है हिंदू लॉ तो वो हिंदू मर्दों को सबक सिखाने के लिए और तो कोई रीजन नहीं है राइट। एंड ये जो पावर दी जा रही है ये स्टेट अपने पास थोड़ी रख रही है, ये पावर मुस्लिम औरतों को दी जा रही है। जी जी बिल्कुल। सबक अगर कोई सिखाएगा भी तो वो मुस्लिम औरतें उसको यूज करेंगी, ये किस तरह का लॉजिक राइट। उसको क्रिमिनलाइज क्यों कर रहे हो, मैंने कहा तो फिर आप बाल विवाह क्रिमिनलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि कोई मानेगा नहीं कि बस बैन कर दिया है तो हो गया, उसको क्रिमिनलाइज करना पड़ता है ताकि एक स्टेप हो जहाँ पे एक मर्द के अंदर डर भी हो कि अगर मैं अपनी बीबी को घर से ऐसे निकाल के फेंक दूंगा तो मेरे ऊपर एक्शन होगा। तो बट देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यहाँ पे प्रिंसिपल्स की कोई बात ही नहीं है, दिस इज बिगर देन दैट। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट कम्युनिस्ट इकोसिस्टम, आई स्टार्टेड लर्निंग कि विक्टिमहुड क्यों इतना डीप है और उसको मुस्लिमों में बना के रखने के लिए क्यों ये इकोसिस्टम इतना मेहनत करता है। सो वहां से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है आई वुड से कि अब वो बढ़ती जा रही है। एंड देन आई ऑल्सो मेट अ लॉट ऑफ वंडरफुल पीपल लाइक खालिद मिला, एंड उसका मुझे मालूम पड़ा कि उसे तो 9-10 साल से वो लिख रहा है।
अर्शिया मलिक मिली, मतलब बहुत है, अभी तो उमर गाजी है, जेबा है, मतलब आई कांट मैं काउंट नहीं कर पाऊंगी इतने लोग अभी, बहुत सारे आवाज हैं अब तो। हाँ मतलब फेसबुक में और है जिनको लोग उतना जानते नहीं, एंड दे आर नॉट सो वोकल, एंड उसमें भी एक स्पेक्ट्रम है, लाइक सम आर लाइक ठीक है, दे आर लिबरल, दे डोंट वांट टू प्रैक्टिस एग्रेसिव थिंग्स, बट दे स्टिल हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ विक्टिमहुड, दे थिंक कि नो वी आर माइनॉरिटी एंड सर्टेन थिंग्स शुड नॉट बी देयर एंड वी शुड फाइट आल्सो। तो उसमें बहुत सारा स्पेक्ट्रम है, बट मैं बहुत लोगों से मिली और उनसे बहुत कुछ लर्न करने को मिला। सो अगर आप मेरा सोशल मीडिया का या पब्लिक में लाइफ में मैं कैसे आई, तो बेसिकली ये एक पूरा जर्नी है। एंड मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, फादर नेवी में थे, तो पैट्रियटिज्म तो वहीं से आपको बहुत आ जाता है आपके अंदर, देश से प्रेम। फिर हम लोग कुछ सालों के लिए बाहर भी रहे थे, अबू धाबी। तो जब आप बाहर जाते हो तब आपको रियलाइज होता है कि कल्चर क्या है, मतलब मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं इंडियन मुस्लिम क्यों हूँ। आप मुस्लिम हो आपको ये समझ में आता है, बट आपको समझ में आता है आप इंडियन मुस्लिम हो क्योंकि आपका कल्चर इंडियन है, एंड वो चेंज नहीं होगा, चाहे वो खाना पीना हो या फिर वो आपकी भाषा हो, कपड़े पहनने के तरीके, मतलब आप उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर लेते हो, बट वो बेसिकली इतना चेंज नहीं होता। तो आप बाहर जाते हो तो आप एक इंडियन हिंदू या इंडियन क्रिश्चियन से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी फील करोगे, रेदर देन इवन ए पाकिस्तानी मुस्लिम, जबकि पाकिस्तानी मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम भी सब कॉन्टिनेंट के हैं, बट हमें उनसे उतना नहीं फील होता था, वे ऑफ लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है। वहां पे आपको जाके समझ में आता है कि आपका देश आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह से हमेशा देश की जो मशीनरी है अगर आप कभी भी किसी जरूरत में पड़ जाए तो वो खड़ा रहता है आपके प्रोटेक्शन के लिए। ये सारी चीजें जो है आपको बहुत ज्यादा धीरे धीरे समझ में आने लगती है। तो ये ग्लोबल एक्सपोजर बोल लो या जो भी बोल लो, दैट आल्सो हेल्प्ड मी अ लॉट। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट मुझे हमेशा हर वीडियो में बहुत बहुत अच्छा लगता है। खालिद का भी है ऑफ कोर्स, वो बहुत आर्टिकुलेटली बोलता है अपने पॉइंट को, पर आपका भी मुझे बहुत, मतलब वो जो पॉइंट्स एकदम पिन पॉइंट वाली बात होती है ना, आप बिल्कुल वही करती हैं। जैसे आपने बोला कि देश का मशीनरी, ये बहुत लोगों को नहीं सूझता है। जैसे जब युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बारे में, वहाँ पे स्टूडेंट्स वीडियो बना के भेज रहे थे कि हमारे बुरे हाल हैं और इंडिया कुछ नहीं कर रहा। फिर पता चला कि वो एक गाँव की प्रधान है जो गई हुई है यूक्रेन पढ़ाई करने, गाँव छोड़कर, जो कि इलीगल है। आप प्रधान इलेक्ट होती हैं तो आप ऐसे नहीं जा सकती हैं। और फिर उनका अरेस्ट हुआ, पर उनको ऐसे ही, मतलब यही चीजों के लिए प्लेटफॉर्म करें या पैसे मिले, इस ये सब के लिए वो कर रही थी। बट आफ्टर ऑल आप इसी देश के मशीनरी पर निर्भर हैं, क्योंकि यूक्रेन तो कह रहा है आप भूरे हैं, आप काले हैं, आप पोलैंड नहीं जा सकते हैं, आपको मार दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो बट ये लोगों को सोचता नहीं है कि हम अगर इंडियन सिटीजन है, खैर बहुत सारे लोग तो इंडियन सिटीजन नहीं होकर बोलते, इंडियन एथनिसिटी इस्तेमाल करते हैं और फिर उस हिसाब से बोलते हैं, देश की बुराई करते हैं। बट ये जो आपने कहा ग्लोबल एक्सपोजर, ये मैंने किसी और एक और मुस्लिम दोस्त से भी सुना है कि वो बाहर जाने के बाद रियलाइज होता है कि हम अलग हैं, जबकि आपको बहुत सारे भारतीय हिंदू मिलेंगे जो कहेंगे कि हम मतलब पाकिस्तानी से सेम सेम है, नान कुलचा खाते हैं और बिरयानी खाते हैं, तो बस हम एकदम एक ही है, बस गवर्नमेंट लगता है, पाकिस्तानी को नहीं कहते। मैंने किसी पाकिस्तानी दोस्त को भी कहते हुए नहीं सुना है, वो बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि हम मतलब हाँ खाना पीना सेम है पर ठीक है, हमारी अलग मान्यता है, हमारी अलग सोच है, उन्होंने हमेशा क्लियरली कहा है। क्योंकि मैं भी जब बाहर पढ़ती थी तब उनके साथ काफ़ी ज़्यादा घूमना मिलना होता था। देखिए मेरा, जैसे मैं अबू धाबी में या दुबई में भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी मिले हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं। कई बार आपको देखिए इंसान के तौर पे तो आप किसी से भी जुड़ सकते हैं, कोई बहुत अच्छा इंसान है तो बिल्कुल आप जुड़ेंगे, लेकिन अगर आप उनसे आइडिया की बात करेंगे, एक नॉर्मल पर्सन की बात बताती हूँ, दो तरह के पाकिस्तानी हैं जिन्हें इतना समझ ही नहीं आता कि आप एक नॉर्मल इंसान से पूछेंगे इतनी फिलॉसफी या पॉलिटिक्स और इनकी बात, कई बार उनको समझ नहीं आता। तो या तो जो पाकिस्तानी है वो बोलेंगे कि ये सब सियासतदारों ने किया है, हम तो एक जैसे, क्या ही अलग है हमारे अंदर, हम तो सेम इंसान है। आप समझते हैं कि उसका एक अच्छा दिल है और वो अच्छे दिल से आपके साथ मिलना जुलना चाहता है, बट आपको बहुत सारे मिलेंगे जो आपको दिखाएंगे कि यू आर नॉट
मुस्लिम्स को मुस्लिम दिखाते हैं, मतलब आप हिंदू की बात तो छोड़ दीजिए कि यू आर नॉट अ प्रॉपर मुस्लिम बिकॉज योर वे ऑफ लाइफ इज अ टू वे काफिराना, तो एंड दे इनडायरेक्टली शोज यू एंड बोलते हैं वो ऐसा, तो वहां पे आपको समझ में आता है कि दे आर डूइंग दैट। एंड जो टू नेशन थ्योरी है, जितनी पढ़े लिखे हैं और जो थोड़ी इन सियासती चीजों को समझते हैं आप, मैं एक तो हो गए नॉर्मल लोग जो ड्राइवर हैं, ये है जिनको नहीं समझ में आता, और मैं उन लोगों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल समझती भी नहीं हूँ क्योंकि उनके हाथों में ना उतनी चीजें हैं कि वो समझें या कुछ बदलाव भी करें। ज्यादा जिम्मेदार मैं हमेशा उनको मानती हूँ जो लीडरशिप लेके चल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जो पढ़े लिखे मुस्लिम है वो सीधे आपको बोलेंगे कि वो टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं, और जो लोग टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं वो कैसे मान रहे हैं कि इंडियन और पाकिस्तानी सेम है, उनका तो बेसिकली रिलीजन के बेस पे कि हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते बिकॉज हम सेम नहीं है, तो ये उनका प्रॉब्लम है। तो उसमें लेकिन वो आगे तक जाता है, उनका इंडियन मुस्लिम के लिए भी कई बार बहुत मैंने देखा है कि बिहेवियर इनडायरेक्टली होता है टॉन्ट वाला या कुछ ना कुछ आप फील कर सकते हैं, डायरेक्ट भले ना बोले बट वो आपको फील होता है। एंड जो इंडियन मुस्लिम है वो जब इस बात को समझ जाते हैं तो वो आपस में ये डिस्कस भी करते हैं कि देखो इतना उसका टोन चेंज हो गया दुबई में रह के ये वो। तो माई मॉम, मतलब मैं ये बात बोलती नहीं हूँ, ये बहुत ही पर्सनल हो जाती है, बट मेरी मॉम जब अबू धाबी में थी तो वो पाकिस्तानी फैमिली के साथ थी, एक दो अच्छे भी थे, बट उन्होंने अंत में बोला कि आई डोंट वॉन्ट टू लिव विद देम। मेरे डैड के जो कलीग थे, जो इंडियन कलीग थे हिंदू थे, वो भी गए थे उनके साथ जॉब करने, तो उन्होंने बोला प्लीज आप कुछ भी करके मुझे इनके साथ रख लो, मुझे नहीं रहना है इनके साथ, इनका बहुत ही अलग रहन है सहन है। तो वो जब आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि सिंपलिसिटी शायद इंडियन में बहुत ज्यादा होती है। एंड देन यू ऑल्सो सी कि द सेम पाकिस्तानी सेज कि हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं जनाब, बट वो जब जनाब बना बोलते हैं तो समझ में आ जाता है, बट वो बोलते हैं क्योंकि आइडेंटिटी का प्रॉब्लम हो गया है, इंडियन मुस्लिम की आइडेंटिटी अभी भी बहुत फिर भी रेस्पेक्टेबल है रेदर देन पाकिस्तानी मुस्लिम के। तो वो आपको समझ में आएगा जब वहां पे आप रहोगे। इवन आई मीन आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस इज जस्ट कोई बोल रहा था मुझे कि एक इंडियन मुस्लिम बोल रहा था कि इंडियन मुस्लिम लड़कियों को पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कों से मैं कहता हूँ कि शादी नहीं करनी चाहिए बिकॉज मेनी अ टाइम्स दे हैव अ रिवेंज। तो मैंने कहा दिस इज लाइक हो सकता है बहुत एग्जैजरेटेड हो, बट उसने बोला कि अंदर अंदर दुबई में ऐसा एक माहौल चल रहा है एंड वी ट्राई टू वॉर्न एवरी इंडियन मुस्लिम गर्ल स्पेशली इसलिए क्योंकि वो क्या होता है कि इंडियंस जाते नहीं है पाकिस्तान शादी के बाद भी एंड पाकिस्तानी यहाँ नहीं आते, तो दे आर लाइक वेरी फ्री टू मैरी अ पाकिस्तानी गर्ल बैक टू होम ऑल्सो एंड हैव अ इंडियन गर्ल दुबई में रहते हुए। सो इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। मैंने कहा जनरलाइज मैं नहीं करूंगी बट इफ ऐसा हुआ है एक दो बार तो अ गर्ल शुड बी अवेयर कि हाँ ये भी हो सकता है, अच्छे लोग तो आपको हर जगह मिल सकते हैं। बट नहीं बात सही है, ऑब्वियसली दोस्ती तो हो जाती है, जैसे मैं भी जब दुबई गई थी तो कई सारे पाकिस्तानी फैमिलीज थे वहां पर एंड बहुत फ्रेंडली थे, उनको लाइक हमारा रहना करना काफी अच्छा लगता था, थोड़ा हम लोग का ग्लोबल एक्सपोजर या जनरली एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा होता, हम लोग थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दुबई में, शायद हम कहीं और भी चले जाए तो भी कंफर्टेबल रह सकते हैं। तो अच्छे थे, फ्रेंडली थे, बट हाँ उनका थोड़ा सुप्रीमेसिस्ट एटीट्यूड है ऐसा कहूँगी मैं, जैसे मेरा मेडिकल कंडीशन है जिस वजह से मैं खाना नहीं मतलब ग्लूटेन नहीं खा सकती हूँ, और उनका ऐसा कहना था कि लाहौर में वो पीडियाट्रिशियन है एंड शी वाज वेरी प्राउड कि वो नौकरी करती हैं क्योंकि यू नो थोड़ा सा चिप ऑन द शोल्डर कह सकते हैं उसे, बट ऑब्वियसली हमें भी सुन के अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे औरत होने के नाते नौकरी करती हैं, बहुत बड़ी बात हमें भी लगी। एंड लाहौर में बहुत सारे दुकान है जहाँ पे हर चीज ग्लूटेन फ्री मिलता है ऐसा, तो मुझे थोड़ी सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर ऑब्सेस्ड विद इंडिया, उसका एक रीजन है क्योंकि उनके पॉलिटिक्स में इंडिया ने बहुत रोल प्ले किया है। आप उनके पुराने पॉलिटिकल वीडियो सुनोगे तो उनके इलेक्शन ही इंडिया को गाली देके हुआ करते थे, तो वो जो ऑब्सेशन है ना वो अभी भी उनके माइंडसेट में है। इवन मेरा एक्सपीरियंस यहाँ तक है कि इफ यू टॉक अबाउट इंडियन इशू और एनीथिंग के चलो इंडिया में अभी ये आ गया,
कोई पाकिस्तानी बगल से आ रहा होगा, मतलब आपको जानता है तो बोलेगा हमारे तो पाकिस्तान में ये है, मतलब देयर शुड बी अ लिमिट टू, आपको पता है ना रियलिटी, लाइक ग्लोबली एवरीबॉडी नोज इट, बट वो कंपटीशन करना, वो इक्वालिटी लाना या अपने आप को सुपीरियर दिखाना, आई से कि बहुत ज्यादा इनफीरियरिटी भरी हुई है. इनफैक्ट मैं तो ये भी मानती हूँ कि स्टार्टिंग के टाइम में पाकिस्तान को बहुत हेल्प मिली थी एंड दे वर इंफ्रास्ट्रक्चरली वो बेटर थे, इकोनॉमिकली भी वो हमसे बेटर कर रहे थे. हम वापस आ जाते हैं थोड़ा इंडिया की तरफ. आपने जो बताया कि जिनको आप एडमायर करती थी, आई थिंक वो थोड़ा सा कंडीशनिंग हम सबको होता है क्योंकि स्कूलिंग सिस्टम देखिए, मीडिया, पॉपुलर मीडिया, कल्चरल रेवोल्यूशन, सब कुछ थोड़ा लेफ्ट से ही शुरुआत हुई होता है हमेशा हमारे देश में कम से कम. तो जो ये रेबेलियस स्ट्रॉन्ग लेडीज हैं, तो उनको तो किसी को भी, कोई भी और रेबेलियस स्ट्रॉन्ग लेडी को प्लेटफॉर्म देना चाहिए, पर ये नहीं होता है. उनका एक सिलेक्टिव आउटरीच का एक माध्यम बन जाता है जहाँ से वो बोलते हैं कि बस इसी चीज पर आप लड़ सकते हैं और दूसरे किसी मुद्दे पर आपको लड़ना, आपका लड़ना जायज नहीं होगा. और ये इसका एक बहुत फाइनेंशियल रीजन होता है क्योंकि हर मुद्दे का के पीछे एक फाइनेंशियल बैकिंग रहती है. तो ये जो पैसों का मामला है सोसाइटी के इश्यूज को लेकर, ये एक काफ़ी गलत रहा है बहुत सारे मुसलमान औरतों के लिए भी. और मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँगी क्योंकि बहुत साल तक हमारे कुछ क्लोज, जैसे हमारे यहाँ पे कुक हैं, कुक थी, अभी भी मतलब फ़ोन वोन करती हैं जबकि हम शहर भी छोड़ चुके हैं. और उनका मतलब बहुत क्लोज था हम लोग का फैमिली. ईद पे जैसे वो बच्चों को लेकर आना और बिरयानी और खाना, अगर हम उनके घर नहीं जा पाए तो वो खाना लेकर आती थी हम तीन लड़कियों के लिए. तो वो जैसे प्रॉपरली एक स्लम एरिया में रहती थी, स्लम में ज़्यादातर मुस्लिम औरतें रहती थी अपने बच्चों के साथ, मोस्टली अबैंडन्ड है. लाइक आई बीन टू दो स्लम्स, उनके पास सिर्फ टिन के घर हैं और बाहर ड्रम में पानी होता है जहाँ पर मतलब बैंगलोर का पानी ना बहुत ही बेकार क्वालिटी का है, मतलब बहुत हार्ड पानी है. बट वो रहती भी थी एक लेक के पास, वहाँ के लेक की पोल्यूशन काफ़ी अब फेमस हो चुकी है, पर वो पानी बहुत ही गंदा होता था और बहुत दिनों तक के चलता था क्योंकि उनके नल से पानी नहीं. अभी जो नल से जल शुरू कर रहे हैं लोग हर चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, उनको पता नहीं है, असलियत पता नहीं है कि मतलब किस हालात में, कैसे हालात में लोग रहकर हंस के निकल तो जाते हैं आपके पास बाजू से रास्ते में, बट घर किस हालत में जाते हैं ना उनको पता नहीं है. चलिए हमने भी देखा है गुजरात में रहते हुए, जब बहुत पहले बचपन में हमने भी देखा है, मेरी भी मम्मी जाके टैंकर से एक बाल्टी पानी के लिए लड़ी है, मैं खुद जाके हैंडपम्प से पानी भरी हूँ. पर ये जो अभी 2022 में लोग इस तरह से रहते हैं, उनकी बच्ची को अचानक से ये हो गया, हाथ में पस वाला ऐसा बॉयल्स आने लगा, बहुत ही अजीब बीमारी है, मैंने कभी सुनी नहीं. क्योंकि मेरी नानी जी उन हालात में, उस टाइम पे सबका ही पानी बेकार होता था, उनको पता था ये क्या है. मैंने जब उनसे कहा, वो कहती आर्सेनिक. फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला क्रोमियम. बेसिकली सब हैवी मेटल को उस जमाने की औरतें आर्सेनिक समझती हैं, तो वही मतलब क्रोमियम था पानी. क्रोमियम पॉइजनिंग हुआ है, जिस एरन ब्रॉकोविच बोल के जो मूवी है उसमें बताया गया था कि ये क्रोमियम पॉइजनिंग से कितना कुछ हो सकता है, कार्सिनोजन है. और ये बच्ची वो पानी पीती है क्योंकि उनके पास कोई उपाय नहीं है. वो इलीगल एनक्रोच लैंड पे एक स्लम है जहाँ पे कोई ऑलमोस्ट बहुत शायद 12 में से एक परिवार में कोई मर्द रहता होगा. ये जो आप कह रही है ना ट्रिपल तलाक क्रिमिनलाइज किया है, वो कोई एक्चुअली जाके कंप्लेन नहीं कर पाता है क्योंकि उनके समाज में जहाँ पे रहती है उनको जो वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि आफ्टर ऑल अनमैरिड औरतें हैं, वो एक ईदगाह के पास रहती है और वहाँ पे मतलब इतना स्ट्रिक्ट है कि भले हमारे घर आ जाए बगैर बुरखे के, वहाँ पे जाएंगे तो बुरखा पहनेंगे. छोटी छोटी बच्चियाँ 16 साल की भाग जाती थी वहाँ पे कोई भी लड़के के साथ, और पता ही है कि 2 साल बाद वो किसी और से शादी करेगा, उनकी मम्मियाँ कितना बचाएंगी, खुद अकेली है, उनको दिन भर के बाहर रहना पड़ता है. पर ये हालात हैं रियल में. और इसमें आप कह रहे हैं कि उनको थोड़ा भी इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा, ट्रिपल तलाक जो ये स्लम के एग्जिस्टेंस का मेन कारण है वो बैन नहीं होगा, तो मतलब ये तो लिबरल नहीं है, ये तो डीपली रिग्रेसिव है. ये
यही बात मैं बोलती हूँ ना कि ये तो बहुत, मतलब ये आपने एक बात उठाई, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, बट एक बहुत बड़ा रीजन हमारे खुद की कम्युनिटी में एक लोग हैं जिनके हाथ में हमेशा रिलीजन के नाम पे बहुत पावर होता है, यानी जो मुल्ला ग्रुप होते हैं ये लोग, वो लोग ये बहुत ज्यादा इंश्योर करते हैं कि लड़कियों के साथ नाइंसाफी कितनी भी हो जाए बट वो बाहर जाके इंसाफ ना मांगे। मेरे सामने ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुझे लोग बताते थे जो काम करते थे कि मुस्लिम लोगों का किस तरह से उनका अपलिफ्टमेंट हो, तो वो मुझे बताते थे कि एक दो लड़कियां आई थी उनके पास, फादर ठेले पे सब्जी लगाते थे, शादी की, हस्बैंड बाहर था, एंड देन हस्बैंड को कुछ समझ में आया, बेटी हुई। एंड अच्छा, ये बात हमेशा हिंदू कम्युनिटी को बहुत इस बारे में बदनाम किया गया है कि बेटियां होने पे ये छोड़ दे, मतलब ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, बेटियां गिरवा देते हैं। मुस्लिम में तो इतनी नहीं मारते हैं बेटियां, कुक में नहीं मारते, चलो हम नहीं मारते, बट बाद में क्या करते हो, बाद में तो तुम अपनी वाइफ छोड़ दे रहे हो ना, इतने केसेस हैं इस पे, लेकिन बात नहीं करेंगे। तो उसको जब छोड़ दिया तो वो आई इनके पास थोड़ा हिम्मत करके कि क्या करूं अब मैं। तो जब ये आई, इन लोगों ने बोला हम आपका सारा केस लड़ेंगे, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, सब कुछ हम करेंगे। अगले दिन कुछ कमेटी के मोहल्ले के जो मौलवी थे वो आकर के बोले कि अगर वहां जाओगी तो यहाँ से। अब देखिए, मेरे जैसी एक लड़की के लिए भी इतना आसान नहीं है, मैं मिडिल क्लास आती हूँ, जो थोड़े इलीट है उनके लिए थोड़ा ज्यादा आसान है, क्योंकि उनको तो दुनिया में इतना, उनके पास बहुत प्रोटेक्शन होता है, दे हैव सो मींस। लेकिन जो लोग बिल्कुल गेटोज में रहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी इनफ नहीं है सर्वाइव करने को, वो कहाँ से खड़ी होंगी फिर इनके खिलाफ। तो ये जो मतलब एक है ना, बना रखा है गेटोज में इन लोगों ने अपनी कंट्रोल बना रखा है, ये सबसे लड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कहती हूँ कि यूसीसी होना चाहिए, ये लॉज इनके हाथ में होनी नहीं चाहिए, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, जो पैरेलल लॉ इंडस्ट्री बना रखी है ये। जब क्योंकि आप ये कह रहे हैं लड़कियां लड़े, अरे आपको समझना पड़ेगा कौन लड़की लड़ेंगी, उन वो लड़कियां जिनको ये हक नहीं होता कि वो अपना शौहर चुन सके, उनको ऐसे बड़ा किया जाता है, वो लड़कियां जिनको कभी एजुकेशन अगर दी भी गई हो तो भाई छोड़ने और लेने आता है, उन लड़कियों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो लड़े, वो लड़कियां नहीं लड़ पाएंगी। उसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मदद के बाद भी नहीं लड़ पाते, क्योंकि देखिए जब तक आप खुद में इतने मजबूत नहीं होंगे ना, आप नहीं लड़ पाते समाज से। तो कुछ लड़कियों का ऐसा नेचर होता है कि उसी समाज से आने के बाद भी बहुत मजबूत होती है, वो इंडिविजुअल लोगों की बात है, और वो अपनी लड़ाई आगे ले जाती हैं, बाकियों के लिए भी बहुत रास्ता खोलती है, लेकिन सारी औरतें ऐसी नहीं हो पाती हैं। आपको यहाँ पे केस मिलेगा कि जब हिंदू सोसाइटी में इतने लॉ मिले हैं, उसके बाद भी आपको बहुत हिंदू लड़कियां मिलेंगी जो लीगली नहीं लड़ना चाहती हैं अपने राइट्स के लिए, और वो जाने देती हैं चीजों को, बट फिर भी उनके साथ एक चीज होता है, मैं देखती हूँ कि एटलीस्ट वो सर्वाइवल के लिए अपनी जॉब कर लेती है। उनको उनके माँ बाप ने इनफ पढ़ा लिखा लिया तो वो कहती है हमें ये नहीं लड़ना, बट वो अपनी जिंदगी आगे कैसे बिताएंगी उसका रास्ता ढूंढ लेती है। यहाँ जब मुस्लिम लड़कियां पढ़ लिख नहीं पा रही, कोई और मीन नहीं, तो उनके पास तो ये रास्ता भी नहीं होता, वो किसी की सेकंड वाइफ बनने को सोचती हैं, या कोई तरीका हो कि हम किस तरह से आगे बढ़ जाएं, तो मतलब मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता है अगर आप ओवरऑल देखेंगे। प्लस अगर एक लड़की मजबूत भी है, मान लीजिए सब कुछ अच्छा है, उसका हस्बैंड भी अच्छा है, लेकिन मेंटली तो हमेशा उसको पता है ना कि पावर जब भी इक्वेशन है उसमें मैं हमेशा कमजोर हूँ। जब उसको ये पता है कि अगर दाल में नमक कम होने पे मेरा हस्बैंड मुझे डिवोर्स दे सकता है, ये राइट है उसके पास, नहीं देगा, हर तरह के हस्बैंड है, लेकिन वो चीज डेली लाइफ की निगोशिएशन में भी बहुत रोल प्ले कर जाती है कई बार। ऐसी औरतों को भी मैंने सुना है जो बोलती है कि यू नो बन ठन के रहो, अपने पति को रिझाओ, क्या पता कल को उसका, ये इस तरह की बातें दिमाग में आना ही अपने आप में शो करता है कि आप एज ए वुमन कितनी डिमीन हो रहे हो, आप उसके इक्वल पार्टनर का भी नहीं बन रहे। इस पर ये हम 2022 में बात कर रहे हैं ना, इसलिए हमें और ज्यादा घटिया किस्म की सोच लग रही है, बहुत पुरानी भी क्या कहूँ, बट मैं ये कहूँगी कि जब हम बड़े हो रहे थे, भले हमारे घर पर, देखिए हम बहुत बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पर पढ़े लिखे हैं, मतलब कई जनरेशन्स पढ़े लिखे हैं, तो इसमें ना मुझे याद है कि किसी के घर पे जाते थे कि कोई फेमिना मैगजीन या कोई एक और होता था हिंदी में गृह गृहिणी ऐसा कुछ
कुछ मैगजीन्स होते थे और उनमें ये बातें तभी हर सोसाइटी के लिए शायद ये प्रमोट की जाती थी जो आप कह रही हैं कि मतलब किस तरह से अपने आप को सज के रहना चाहिए, क्या क्या बनाना चाहिए ताकि पति या शोहर खुश रहे, मतलब यही सारे बातें होती थी जहाँ पर उल्टा। और इसमें कोई खराबी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल अपने पार्टनर को प्लीज करना चाहिए, बट ये उल्टा चीज कभी नहीं लिखा जाता था किसी और के, क्योंकि आदमियों को कभी डरना नहीं पड़ेगा कि औरत छोड़ के चली जाएंगी या जा पाएंगी। पर मैं इसमें ये भी कॉन्ट्रास्ट करना चाहूंगी कि अराउंड 10 साल पहले दूसरे शहर में थी, ये दूसरे शहर की बात है, वहां पर एक फैमिली में कुक थी, हमारी फैमिली में कुक थी एंड शी वॉज हिंदू एंड उन्होंने डिवोर्स किया, उनके दो बच्चे थे। स्ट्रॉन्ग सिंगल माइंडेड अकेली औरत ने डिवोर्स किया अपने अब्यूजिव हस्बैंड को और वो कुक बनकर ही अपने दो बच्चों को पढ़ाती थी, मतलब उनको पैसे संभालना आता था, उनको पढ़ाई का महत्व था क्योंकि एक लड़की और एक महाराष्ट्र में था तो मतलब वहाँ पे लड़कियों को भी मतलब ऑलमोस्ट आई हैव नॉट सीन that much discrimination उनके खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ एटलीस्ट पढ़ाई के मामले में। तो उन्होंने पढ़ाया उनको, मतलब अकेली औरत, बट यही वहाँ पे नहीं कर पाई बैंगलोर की जो मेरी कुक्स और जो उनकी पूरी कम्युनिटी थी, मैं वहाँ पे बहुत लोगों को जानती थी। तो आप म्यूट पर हैं, सॉरी आवाज आ रही थी। बिल्कुल आज की डेट में वो ज्यादा I understand कि ये पहले मैं और भी कम्युनिटी में सुनती थी बट वहाँ बहुत बदलाव आ चुका है जी। और ये जो बात आपने बोली ना कि अपने पार्टनर के लिए अच्छा दिखना या कुछ भी, मतलब उसकी केयर करना इज अ डिफरेंट, बट वो इक्वालिटी के हिसाब से तब आता है जब आपका पार्टनर भी आपको उतने ही अटेंशन देता है। लेकिन जो ये वाली बात मैं बता रही हूँ बहुत ही डिमीनिंग मतलब वे में आता है, जहाँ पे कि औरत को अपने पति को खुश रखना है ताकि वो कहीं और ना जाए या कल को वो कुछ गलत करे तो उसका उसको जस्टिफिकेशन ना मिले, यानी आपके साथ गलत करने सेल्फिश मोटिव से है ना कि मतलब अपने आप को बचाने के लिए पति का ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि पति को प्यार करते हो या इज्जत करते हो इसलिए करो, यू हैव टू डू इट अदरवाइज। हां वो कल को बदल जाएगा, आपको डिवोर्स दे देगा या क्या कर लेगा, सो उसको खुश रखना है। एंड इवन मुल्ला जो लोग हैं वो सरमन इतना बकवास, सरमन एक मैंने सुना था कि तुम्हारा हस्बैंड तुमको पता नहीं क्या करे तब भी तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें मारे तब भी तुम उसको खुश करो, ये करो, इस तरह की बातें जो हमारे मुल्ला सिखाते हैं हमारे नॉर्मल लोगों को, तो और क्या ही माइंड सेट बनेगा। सो इसमें जब ये लीगल चेंजेस आते हैं तो पहला आपको एक किरण मिलता है कि हाँ चलो, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये प्ले करता है, इवन अ नॉर्मल इंडियन मुस्लिम मैन की नहीं भाई ये एक लॉ बन गया है, और लॉ आएंगे तो और बनेगा, ठीक है। तो उससे चेंजेस आएगा जितना जितना आपको, अभी जो 90% जो डेटा नया आया है 90% ट्रिपल तलाक के केसेस खत्म हो गए हैं, लेकिन अब उसका दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैन आर लाइक नॉट गिविंग अ डिवोर्स, दे आर जस्ट गेटिंग सेपरेटेड। प्रॉब्लम ये है कि अगर वो सेपरेटेड भी हो जाते हैं तो उनको बोलो मेंटेनेंस देना पड़ेगा, आप रहो जहाँ रहना है, यू हैव टू गिव मेंटेनेंस, यू कांट रीमैरी बिना अपनी वाइफ से सेटलमेंट किए। तो अब मैं देख रही हूँ कि प्रिंट में यहाँ वहाँ कुछ मुस्लिम जर्नलिस्ट आर्टिकल लिख रहे हैं कुछ, और हिंदू लिबरल भी, आई डोंट नो क्या बोलूं मैं उन लोगों को कि किस तरह से वो इन इशू को ला करके बता रहे हैं कितना गलत काम किया है। मैंने ये पढ़ा है, वो कह रहे हैं कि दे आर लीविंग फैमिलीज विदाउट अ मैन बिकॉज़ दे आर इन जेल, बट द मैन वाज एनीवे लीविंग द फैमिली बिकॉज़ ही वाज विद सम अदर वुमन। एग्जैक्टली, वो जेल में है, वो घर से बाहर निकाल रहा था उससे चले, वो जेल में है आई वुड से, और वो जेल में इतने लंबे टाइम के लिए नहीं रहता है, वो जेल में तब तक के लिए रहता है जब तक सेटलमेंट ना हो जाए। तो उसके अलावा जो अदर इश्यूज ये बता रहे हैं कि अब हस्बैंड डिवोर्स ही नहीं दे रहे हैं और चुपचाप से दूसरी भी शादी कर लेंगे या फिर वो मेंटेनेंस के बिना आराम से रह रहे, तो उसको सॉल्व करो ना। आप सिस्टम में ये नहीं बोल सकते कि हमने इतनी सी चीजें बदली तो उसके आगे ये इशू आ रहा है तो हम उस चीज को ही बैक कर लेंगे, आप आगे जाते हो कि और कैसे रिफॉर्म लाएंगे, राइट। तो रिफॉर्म होना चाहिए कि पॉलीगैमी बैन होना चाहिए, एक दो चीज है, कल्चरली इंडियन मुस्लिम्स पॉलीगैमी नहीं फॉलो करते, इवन आप पाकिस्तानी में भी देखेंगे कुछ एरियाज में बहुत बहुत कॉमन है पर हाँ, लेकिन ओवरऑल इतना नहीं है, मतलब डेटा वाइज इवन पाकिस्तानी मुस्लिम में भी मैंने देखा है कि
सेकेंड मैरिज को बहुत ही अच्छे से नहीं लिया जाता है, मतलब इट्स नॉट समथिंग टू बी वेरी। बहुत ऐसे फैमिलीज देखे हैं जो कि मतलब आराम से, इवन मेरे पिताजी के मुस्लिम क्लाइंट जो ट्यूनिशिया से आए थे, वो हैरान थे कि ये चार चार औरतों के साथ चार बीवियां, मेरी बीवी तो मार डालेगी मुझे इस तरह से। और ज्यादा बहुत दे हैव रिफॉर्म्ड वेरी वेल, बट मुझे इंडियन मुस्लिम का भी डेटा बहुत कम दिखता है, जो ऑफिशियल डेटा है वो बहुत कम है ओवरऑल। दूसरा, जहां से मैं आई हूँ वहां, मतलब सोसाइटी आई कम फ्रॉम, मेरे पूरे दूर दूर के खानदान में किसी ने, अगर कोई ऐसा होता था कि किसी ने की है तो ही वुड बी अ यू नो टॉपिक ऑफ डिस्कशन, किसने की है चलो देख के आते हैं। तो फॉर मी इट्स नॉट वेरी नॉर्मल। ये भी एक बात है ना कि आप जब किसी एक मुस्लिम इंडियन से बात करते हो तो वो सारे इंडियन मुस्लिम्स के बारे में नहीं बता पाता, उसकी खुद की एक अपनी रियलिटीज होती है। इनफैक्ट मेरे दादा के खानदान के साइड में हमने कभी कोई कजन मैरिज नहीं देखी है। कजन मैरिज बहुत बुरी मानी जाती है क्योंकि आई डोंट नो, वो कहते हैं रियल भाई बहन है, कजन मैरिज नहीं। एक दो शादियां, मेरे एक शादी हुई है दूसरे कजन से मेरे मम्मी के साइड में, बट मोस्टली अवॉइड करते हैं। अब जब मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा क्यों है कि अवॉइड करते हैं, तो मुझे समझ में आया कि कल्चरल है, क्योंकि पहले हिंदू सोसाइटी से चेंज हुए तो पूरी तरह से नहीं इस बात को त्याग पाए कि शादी जो है कजन में होनी चाहिए। नाउ अब जो पढ़े लिखे मुस्लिम है वो इसको नोइंगली कर रहे हैं अवॉइड, बिकॉज उनको समझ में आ गया कि साइंटिफिकली इट विल बी वेरी वेरी बैड डिसीजन। तो ये जो कल्चरली है, मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम आपको पॉलीगामी नहीं प्रैक्टिस करते हुए दिखेंगे, बहुत दिख भी जाएंगे, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं, लेकिन मेजोरिटी नहीं दिखेंगे। तो आप जो लॉ बना रहे हैं वो आप कल्चरली देख के बनाइए। ये भी एक पाशमानदा जो संगठन है, जब वो बात करते हैं तो ये बात बहुत बोलते हैं कि हम लोगों के साथ हुआ ये है कि हमारे लॉ आपने मिडिल ईस्ट के उस पर बना दिया है, जबकि हमारी रियलिटी जो लिव रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट है। आप हमारे लिव्ड रियलिटी पे अगर लॉ बनाते तो बहुत ज्यादा बेटर होता है। एक सच्चाई ये भी है कि जो मुस्लिम्स पहले लॉज मानते थे स्पेशली, वो कस्टम बेस्ड लॉ होता था। बेसिकली शरिया कोई नहीं मानता था इंडिया में 1935 के पहले, इंडियन मुस्लिम्स भी कस्टमरी लॉ मानते थे। बट हुआ ये कि आप अगर हिंदू लॉ भी पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हिंदू लॉ में विमेन को बिल्कुल भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे। तो जो कस्टम लॉ थे वो उससे बेटर बहुत लोगों को, बहुत सारे मुस्लिम्स ने बोला, विमेन ने, कि ये ज्यादा बेटर, इसमें हाफ प्रॉपर्टी का है कि 1/4 तो आएगा वेल्थ वाइज, एंड इस तरह की चीजें कह करके। एंड सिर्फ यही नहीं था, जो इलीट थे मुस्लिम का, उनका एक अपना एजेंडा था, वो मुस्लिम की अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते थे। तो जब अगर हिंदू मुस्लिम दोनों ही कस्टमरी लॉ मान रहे हैं तो आप मुस्लिम अलग कैसे हो, टू नेशन थ्योरी जस्टिफाई कैसे होगा। उसके लिए भी उन्होंने शरिया को आगे बढ़ाया, ब्रिटिश से फिर मान लिया कि ठीक है आपका अलग लॉ है, लेकिन उन्होंने जो ओवरऑल एक नॉर्मल इंडियन मुस्लिम को बोला था, उनको यही बोला था कि कस्टमरी लॉ और ज्यादा बुरे हैं आपके लिए, इसमें आपको और ज्यादा राइट्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा आया था, प्लस मुस्लिम का आइडेंटिटी लॉ है उसको लेकर के इन लोगों ने एक ये बना दिया, एक इतना ज्यादा रवैया जिद वाला अख्तियार कर लिया कि उन्होंने इसको बना लिया है कि अगर आपने कुछ भी चेंज कर दिया तो हमारे इस्लाम में आप इंटरफेयर करो। बट ये एक्चुअली में सच्चाई नहीं है। अगर आप, मैं बार बार बोलती हूँ कि अभी ट्रिपल तलाक का लॉ चेंज हो गया तो क्या आप मुस्लिम नहीं रहे क्या अभी, राइट? क्रिमिनल लॉज आप मानते हो जो पूरे इंडिया का है तो आप मुस्लिम नहीं रहे, आप शरिया लॉ मानते हो, और मानेंगे भी नहीं। अगर इनसे बोला जाए कि चोरी करने पे हाथ काट दिया जाएगा तो फिर देखो कैसे, फिर शरिया नहीं चाहिए होगा इनको। तो ये यूएस में जाएंगे अगर, या फिर ये कहीं भी जाएंगे जहां आपको लॉ ऑफ द लैंड मानना पड़ता है, तो आप मुस्लिम नहीं रहते हो। मुस्लिम होने के लिए बेसिकली आपको इस्लाम मानना होता है, बेसिक फाइव प्रिंसिपल्स है, एवरीबॉडी नोज दैट। वो बेसिक फाइव प्रिंसिपल्स आप, एंड इनफैक्ट बहुत सारे मुस्लिम तो वो बेसिक फाइव प्रिंसिपल नहीं निभाते, नमाज नहीं पढ़ी जाती उनसे पांच टाइम की, बट स्टिल दे आर मुस्लिम, राइट? तो ये सब चीजें एक्चुअली से समझ में आता है कि सियासती ईगो का मसला है, और जिनके हाथ में इतना पावर आया हुआ, जब मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती हूँ, इन लोगों ने कोडिफाइड तक नहीं किया है मुस्लिम लॉ, क्योंकि उनको पता है कि ये कोडिफाइड पे एक बार कर देंगे ना तो सुप्रीम कोर्ट के लिए इजी हो जाएगा, इनकी जरूरत नहीं रहेगी, एंड देन उसमें वो अपने आप ही रिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्होंने कोडिफाइड नहीं किया, ये लोग राजाओं के जैसे बैठे हुए हैं, और जब कोई इशू उनके पास आता है तो बोलते कि हम कोडिफाइड भी नहीं करेंगे, हम थोड़ा बहुत कोडिफाइड है बट दैट इज लाइक
एक बेसिक प्रिंसिपल, फिर ये बुक पढ़ते हैं, फिर वो फतवा देते हैं। सारा पावर अपने पास रखा हुआ है ना, कौन अपना इतना पावर जाने देगा। तो ये सब जो चीजें हैं इनको समझना इतना इजी नहीं होता। और एक जो नॉर्मल मुस्लिम है उनको लगता है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम यही है जो इन्होंने बोला, इन्होंने बोल दिया कि ये करने से इस्लाम खत्म हो गया तो खत्म हो गया। आप कई बार न्यूज मीडिया पे आप डिबेट देखिएगा, जब लड़कियां आती हैं और वो अपने राइट्स की बात करती हैं तो मुल्ला लोग बोलते हैं कि क्या तुम इस्लाम के खिलाफ जाओगी, ये उनका लैंग्वेज होता है, वहां वो लड़की चुप हो जाती है, राइट। तो धर्म के नाम पे इतना उसको ब्लैकमेल किया जाता है, इतना डराया जाता है, अरे तुम कौन हो बताने वाले कि इस्लाम के खिलाफ है या नहीं है। वो लड़की तो भी तो पढ़ लिख सकती है ना, हु आर यू टू डिसाइड दैट, एंड कैसे वो अपना इस्लाम फॉलो करेगी, ये भी उसका राइट है। तो इतना डर बैठाया गया है, इतना मतलब आपके अंदर चीजों को लेकर के ब्लैकमेल करते हैं कि वहीं पे सारा का सारा डिस्कशन ही खत्म हो जाता है। और जिस सोसाइटी में डिस्कशन के लिए जगह ना हो वो सोसाइटी सिर्फ सड़ जाएगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता सोसाइटी के लिए। वही मुस्लिम सोसाइटी के लिए साथ हो रहा है अभी बेसिकली। तो उसी लिए जो मेरा मतलब हम लोग जो आवाज उठाते हैं, हम वही स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं जहाँ पे आप, जरूरी नहीं है कि आप हमसे अग्री कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट देखिए, बट कम से कम डिस्कशन करने के लिए स्पेस तो रखिए। ये जो आपने इतने सारे मुद्दे उठाए हैं और उसमें जो मुसलमान औरतें या इवन रेगुलर मुस्लिम्स जिनको मतलब ऐसे शायद उनमें कोई ऐसा वायलेंट थॉट नहीं है, नॉर्मल रेगुलर लिविंग मुस्लिम पीपल इन जनरल, उनको आपको लगता है कि उनमें ये सोचने की काबिलियत इन मुद्दों पर आप इन मतलब ये जो विषय है थोड़ा UCC या इवन CAA वगैरह, ये जो हुआ है इसमें उन लोगों को काफ़ी बहलाया गया है ऑलरेडी एक तरफ, ठीक है, उनको गलत इन्फॉर्मेशन जानबूझ के दी गई है। जैसे बहुत लोगों को बोला कि आपको भारतवर्ष से निकाला जाएगा, किस मतलब कहाँ पे लॉ है कि जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, कहीं पर नहीं है, बट उनको बोला गया है, उनको मीडिया के सामने जानबूझ के गरीब महिलाओं को पेश किया जाता है कि वो रो रही हैं, वो उनको गलत बताया गया है ऐसे। और मैं ये अभी नहीं, इवन जब मैं छोटी थी, जब मैं 11th-12th स्टैंडर्ड में थी ना, तब हरियाणा में 1.5 साल मेरी पढ़ाई हुई थी, एंड वहाँ पर कई सारे आई थिंक वहाँ पर थोड़ी तादाद ज़्यादा थी, उनके पेरेंट्स HMT में काम करते थे, तो मेरी एक क्लासमेट थी, एंड हम लोग सिर्फ 5 लड़कियाँ थी और 32 लड़के थे उस क्लास में, और सब लड़कियां फिर कई बार साथ में रहती थी, और धूप में बैठकर, सर्दी की धूप में बैठकर वो एक किताब लाई है घर से, और वो छोटा सा स्कर्ट पहनती थी, उसकी दीदी ना हाथ से सिल के बनाया था फिंगर प्रिंटेड स्कर्ट, हम लोग का बोरिंग होता था बॉक्स प्रिंटेड स्कर्ट, विंटर स्कर्ट वुलन वाला, और उसका था एकदम फिंगर प्रिंटेड। हम लोग KV से पढ़े हुए हैं, तो वहाँ पे मतलब काफ़ी रिलैक्स एटमोसफियर था, ऐसे खेलते कूदते थे हम लोग। वो आके पढ़ा रही है बाकी लड़कियों को कि अगर आप नेल पॉलिश लगाओ तो आपको ये सज़ा मिलती है जहन्नम में, अगर आप आपने ऊंची आवाज़ में बात करी तो आपका आपकी ज़ुबान निकाली जाती है गरम कुछ इससे, मतलब ऐसी चीज़ें पढ़ के सुना रही है और समझा रही है। बाकी हम चारों हिंदू हैं और हम लोग को वो सिखा रही थी, जबकि वो खुद बिल्कुल मतलब वैसे नहीं रहती थी, एकदम ओप्रेस्ड हिसाब से नहीं रहती थी। था उसका घर कंजर्वेटिव, जब हम गए थे जैसे उसके भाई लोग उससे इतना बात नहीं करते थे, उसके 3 भाई थे और 2 और दीदियाँ थी, 4 भाई थे शायद और 2 बहनें थी, और वो शायद सबसे छोटी थी, उससे ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि घर परिवार में सब एक साथ मिल के कुछ कर रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं भाई बहनों वाला, वैसे नहीं था, पर फिर भी उसके अपने दोस्त थे, उसकी सोसाइटी थी। ऑब्वियसली हम लोग को घर पे बुलाया, मतलब ऐसा कोई ओप्रेस्ड लिविंग नहीं था, स्कूल में कॉलेज तक के भी गई थी, अच्छे से रहती थी, फिर भी उसकी सोच इतनी कम उम्र में ये सब चीज़ों से गाइडेड था। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल होगा उनको समझाना कि आपको हमेशा हर चीज़ विक्टिमहुड के नज़रिए से देखना जायज़ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि नॉलेज किस तरह से पेश किया जाएगा, जाना चाहिए? बहुत ज़्यादा हुई है वहाबिज्म के आने के बाद भी बहुत ज़्यादा हुई है, प्लस बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं बहुत सारे मौलवियों ने, एंड बेसिकली उनको खुद को जो भी लगा, कहीं हदीस से भी निकाली है उन्होंने या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कहीं आप
कुरान में नहीं सुनेंगे, लेकिन उन्होंने डाल दी कि ऐसा है ये है वो है, और वो बुक अजीब अजीब सी बुक है, उसमें औरतों को क्या क्या फराइज है ये सब करके, और वो बुक जो है बहुत ज्यादा चलने लग गई उर्दू में स्पेशली। होता ये है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो देवबंदी उलेमा वगैरह हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु जिनको बोलेंगे, जो पैदा करते हैं, वो लोग ज्यादातर सारे के सारे लोग इलिटरेट होते हैं। उन्होंने अपने बचपन से सिर्फ क्या पढ़ा है, सिर्फ 1400 साल पुरानी वाली जो एक हिस्ट्री है वो पढ़ा है, उसके बाद दुनिया में क्या हुआ वो नहीं पढ़ा, और इस्लाम पढ़ा हुआ है, तो उन्हें किसी भी चीज की समझ नहीं है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रीजन है, ना तो उनको मैथ समझ आती है, ना साइंस समझ आती है, ना हिस्ट्री, ना ज्योग्राफी, और वो इन चीजों के बारे में, ना सोशल स्टडी, वो नॉर्मल इंडियन मुस्लिम समाज को आगाह कर रहे होते कि तुम कैसे जियो आज के जमाने में। ठीक है, एक वक्त की रियलिटी है, आप देखिए सऊदी अरबिया जैसी कंट्री है, पहले बोलते थे कि फोटो खिंचवाना हराम है, आप बिना फोटो खिंचवाए वहां पे कहीं जा सकते हैं, आइडेंटिटी आपकी नहीं होगी, आइडेंटिफाइड नहीं होंगे आप, तो अजान लाउडस्पीकर पे पढ़ना भी तो हराम था, पहले हराम था फिर बाद में अब हटाना हराम हो गया है। तो वो रिजिडनेस इतनी ज्यादा है ना कि कुछ भी आप बात करो कि अभी का हालात ये है, अब ये होगा, वो सुनने को तैयार नहीं होते, उनको लगता है कि ये चीज चेंज करने का मतलब है ये हमारे धर्म के साथ कुछ कर रहा है ही नहीं स्पेस। और इसमें मुझे लगता है कि ये जो उलेमा होते हैं, और ये लोगों के साथ होता ये है कि मैं मानती हूँ कि अब बहुत लोग नमाज उतना नहीं पढ़ते जितना पहले 5 टाइम का था, क्योंकि वक्त ऐसा आ चुका है कि टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन जुम्मे की जो नमाज है वो हमारे इम्पोर्टेंट होती है, और वो सब लोग जाते हैं उस टाइम में, जो खुतबे में वो बंदा बताएगा वो सब लोग सुनता है, उसने नहीं कुरान सब अरबी में पढ़ते नहीं पढ़ा तर्जुमा कुछ भी नहीं पढ़ा, बट उस मौलवी की बात तो आ रही है ना जिसे कुछ भी समझ नहीं है, तो शायद ये मानता है कि दुनिया चपटी भी है या इस तरह की उसकी अजीब अजीब सी मान्यता हो सकती है, तो वहां पे एक बहुत बड़ा जड़ है जहां पे हमें एड्रेस करके इन लोगों की पढ़ाई में किसी तरह से चीजें चेंज करनी होगी। इनको जो ये मौलवी निकलते हैं और जाते हैं हर जगह, इनको किस तरह से अपग्रेड किया जाए इसकी बहुत जरूरत है। एंड मतलब औरतों को लेकर के तो इतने अजीब अजीब तरह की बातें मैंने सुनी है, किसी ने बोला कि आदमियों का इतना ज्यादा औरतों पे हक हो, मतलब एक क्या बोलूं मैं कि इतना फर्मा बरदार होना चाहिए कि अगर वो बोले कि ये काला पत्थर लेकर सफेद पहाड़ पर डालो और सफेद पत्थर लेके काले पहाड़ पर डालो दिन रात, तो वो इसको करे बिना सवाल पूछे। मैंने कहां लिखा है ये बात, बस ऐसा है किसी हदीस में है किसी उसमें है, तो अगर वो है या नहीं है ये भी आप सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बोल दिया, वो मौलवी है, उनके पास बहुत राइट है, वो सही ही है, दैट इज द लाइक ओनली एक्सप्लेनेशन। तो किसी को अपना सोच आउटसोर्स कर दे इस तरह से कि उस सोच पर भी कोई सवाल ना उठाए जाए, जबकि सोच तो मतलब दिमागी बात होती है, उस पर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि ये अब हो रहा है, सेक्युलर एजुकेशन सबसे बड़ा यही हेल्प करता है कि आप सवाल उठाने लगते हो, आप पढ़ने लायक होते हो तो आप खुद से ही पढ़ने भी लग जाते हो कई बार, लेकिन जब आप छोटे रहते हो तो आपके माँ बाप ने भी जो आपको सिखाया समझाया वही आपने भी बोला, अच्छा ऐसा है, ये किससे सीखना है इस्लाम, ये जो मौलवी भाई साहब बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं ये सही है, तो वो वही मानते हैं। और आप यहाँ तक देखेंगे कि हर सेक्ट का जो इस्लाम है जब वो अलग होता है तो वो दूसरे सेक्ट वालों को बोलते हैं कि ये गुनाह कर रहा है, और उसके उसको भी एक तरह से मानने लगते हैं कि ये बिल्कुल ही गलत आ है, इनका इस्लाम गलत है, सिर्फ हमारा वाला सही है। तो इससे ये भी मालूम पड़ता है कि इतनी ज्यादा जिनके बच्चा हो रहा है नींद आई है मेरी, आप जैसे ये सारे चेंजेस ना जनरेशनल आपको शायद काफी बदलाव दिखे, सुधार दिखेगा शायद 10 साल बाद 15 साल बाद आपको कुछ सुधार दिखेगा, पर कुछ सुधार एकदम अर्जेंट होते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में देखा था, जैसे असम में कई सारी फुल बुरखाधारी औरतें बीजेपी की रैली में जा रही थी, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनसे पूछा गया, रिपोर्टर ने पूछा कि आप मुसलमान होकर कैसे जा रही हैं, तो बोलते हैं हमें अच्छे लगते हैं वो, तो फिर उनको पूछा गया कि राहुल गांधी नहीं अच्छे लगते, तो होंगे अच्छे, पर मन की बात में जो कहते हैं ऐसा लगता है वो हमें समझते हैं, हमारी हमारे प्रॉब्लम्स को वो जो मतलब जिस तरह से सुलझाते हैं वो समझते हैं, तो वो होंगे अच्छे, हमें नहीं पता पर हमें तो प्रधानमंत्री जी अच्छे लगते हैं इसलिए हम जा रहे हैं। तो ये जो मतलब मुझे लगता है कि लोग इसको
मीडिया में, पॉपुलर मीडिया में चलिए इसको अच्छा नहीं बोला जाएगा, हम लोग को गालियां मिलेंगी अगर हमने बोला कि शायद ये जिन गरीबों को या जो मासेस को है वहां तक के पहुंच रही है। ये नहीं कहूंगी कि सारे मास गरीब हैं, बट इन जनरल जो लोकप्रियता की बात है वहां पर प्रधानमंत्री के ऐसे चैनल्स काफी पॉपुलर हैं। तो इस तरह से कोई अगर लॉ या कोई कोई भी एजुकेशनल या लॉ की चीज है, इसको सुधारने का क्या तरीका लग सकता है? क्योंकि ये थोड़ा ब्रेन वॉशिंग डी कंडीशनिंग के खिलाफ जा रहा, मतलब डी कंडीशनिंग के तौर पे जा रहा है, क्योंकि एक तरफ से तो आप कंडीशन हैं, बहुत सारी औरतें भी और मर्द भी मदरसा से पढ़े हुए हैं, और जो आप कह रहे हैं कि मौलवियों को आउटसोर्स करते हैं अपने सोचने की काबिलियत, तो इन लोगों को कैसे समझाया जाए कि उनके भले के लिए हो रहा है और उनको इतना घबराना नहीं चाहिए, उनकी जमीनें नहीं जा रही, उनको देश से नहीं निकाला जा रहा है? तो कोई भी चेंजेस एक साथ नहीं आ पाते, धीरे धीरे आते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि वो चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वो आ रहे हैं तो आज नहीं कल वो चीज़ें आपको असर दिखेगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं मेरे हिसाब से। एक तो देखिए, मुस्लिम समाज ओवरऑल द वर्ल्ड में आपको दिखता है कि कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिससे मुस्लिम समाज को एड्रेस और डिस्कस करना पड़ेगा विद इन, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स अलग अलग प्रॉब्लम भी हैं। कुछ प्रॉब्लम सिर्फ कल्चर की वजह से है, जैसे बच्चेबाजी की प्रॉब्लम आपको अफगानिस्तान में मिलेगी, इंडिया में नहीं मिलेगी। कुछ सेक्ट में आपको FGM की प्रॉब्लम मिलेगी, कुछ में नहीं मिलेगी। तो आप प्रॉब्लम बहुत तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज यू आर अ मुस्लिम उस वजह से है, जिसमें कि सबसे बड़ा है एक बहुत बड़ा इंटॉलरेंस होना अपने रिलीजन के किसी भी क्रिटिसिज्म को सुनना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम ब्लास्फेमी तक का एक ऐसा वो देखते हैं, जहाँ पे लोग किलिंग भी कर देते हैं पत्थर। जबकि मैंने एक वीडियो किया था कि किस तरह से कुरान में कहीं भी इस तरह की बात नहीं लिखी है कि आपको वायलेंस रिसोर्ट करना है, और उसके लिए मैंने वहीदुद्दीन गामदी के इंटरप्रिटेशन को सामने लाया था कि उन्होंने साफ साफ बोला है कि नहीं, आप किल नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते। आइडियोलॉजी अगर आपको नहीं पसंद आती, आपको लगता है कि उन्होंने जो बोला है वो गलत है, तो आप उसका आंसर उसी आइडियोलॉजी फॉर्म में देंगे, लिख के देंगे, टेक्स्ट से देंगे, आप वायलेंस को रिसोर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें हैं, ये एक मुस्लिम समाज की एक प्रॉब्लम है। विमेन की जो एम्पावरमेंट की प्रॉब्लम है, ये आपको मुस्लिम समाज में थ्रू द वो दिखेगी। उसमें कुछ नेशंस हैं जो उसमें काफी अच्छा काम कर चुके हैं, लाइक टर्की है, या आपने अभी बताया ट्यूनिशिया है, सेंट्रल एशियन कंट्री है, इवन इंडोनेशिया वगैरह भी बेटर काम कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें आप देखते हैं, तो आपको एक तो मुस्लिम समाज में इंडियन मुस्लिम से क्या प्रॉब्लम है, ये थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब जब इंडियन मुस्लिम के साथ ये इशू है कि एक अलग ही इकोसिस्टम में वो आ गए, जहाँ पे जो आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ कि जो लिबरल हिंदू है उन्होंने बोला कि हम हिंदू सोसाइटी को बहुत सुधारेंगे, बट मुस्लिम सोसाइटी पे हमेशा कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि इट्स परफेक्ट सोसाइटी, इनके तो कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है, इनके तो, हम कहते हैं आपको कैसे नहीं दिख रहा है, राइट? आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, एक तो आंख बंद करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुस्लिम्स को एज अ पेट, मैं बोलती हूँ पेट बोले, या जो भी जो उनका मसीहा उनको बनना है, वो भी बहुत लोगों में प्रॉब्लम है कि हम इनके मसीहा हैं, ये बेचारे बेचारे, इनसे एक्सपेक्टेशन मत करो, और वो बेचारे कम अकल लोग हैं, बट वो डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेंगे, बट बिल्कुल जो बोलता है वो बिल्कुल कर रखा है। हाँ बिल्कुल, तो वो चीज हो गई। तो इनको तो रिफॉर्म लॉ ही मत भाई, इनको मत छुओ, इनका ये स्वीट पॉइजन है। तो दूसरा एक देखिए, ऐसा भी नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि इंडिया में शायद मुस्लिम के अगेंस्ट कभी कोई बिगेट्री होगी नहीं। इंडिविजुअल्स अलग अलग तरह के होते हैं, आपको कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसा इंडिविजुअल मिल सकता है जिसको आपके आइडेंटिटी से प्रॉब्लम हो, या इनफैक्ट आपसे ये प्रॉब्लम हो जाए ऑन दैट स्पॉट, ये भी हो जाता है। तो वो, लेकिन आपको देखना पड़ता है कि ओवरऑल सिस्टम कितना फेयर है आपके लिए, ओवरऑल सिस्टम में इतनी चीजें करके रखी है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आप फिर भी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे तो कुछ तो जिम्मेदारी आपकी होगी ना। वो जिम्मेदारी कहाँ गई? वो हमारे जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल है वो रिफॉर्म की बात विद इन क्यों नहीं करते? जो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की दिन रात बकवास करते हैं, उनको ये मुस्लिम पैट्रियार्की या इस्लामिक पैट्रियार्की है, जो भी उनको बोलना है, वो क्यों नहीं दिखता है, राइट?
इनको राणा यूब को और अरफा खानम को मैंने देखा आर्टिकल शेयर करते हुए कि जब तक ये लॉ में, अभी के लॉ में ये पता नहीं कौन कौन से चेंजेस नहीं आ जाते, कुछ शायद नेचुरल गार्जियन जो है वो विमेन नहीं हो जाती है बच्चों की, तब तक कभी क्वालिटी नहीं आएगी। मैंने कहा यहाँ तो है ही नहीं कुछ, क्या शादियां खत्म नहीं होती, वो तुमको लिखा नहीं जा रहा, नहीं लिखती, कभी नहीं लिखती है। शैला राशिद ब्राह्मणिकल स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की का वो पहनती है, उसके डैड ने उसकी मॉम के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया ना, कभी उसने बोला कि हमारे लॉ में ही इतनी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ इतनी शाहबानु होती जा रही है, वो नहीं गिल्ट हिंदुओं के लिए है और इंडिविजुअल मे बी वो इंडिविजुअल गिल्ट भी नहीं होता, नाम तो ले नहीं सकते हैं वो, तो मतलब गिल्ट हो ही नहीं सकता है, वो बस जेंडर प्रॉब्लम हो गया या गिल्ट भी नहीं। अभी तो मुझे लगता है, अब तो मुझे लगता है कि दिस इज द एक्सक्यूज टू बैश हिंदू बेसिकली, हिंदू कम्युनिटी। देखिए एक रिफॉर्म अलग होता है, एक एक कम्युनिटी के लिए बिल्कुल आपके अंदर जहर भरा है, आप उसको टारगेट करना चाहते हैं, वो अलग होता है। तो और ये लोग बहुत पावरफुल हैं, इनके हाथ में हमेशा से मीडिया से लेकर के पूरा एक सिस्टम रहा है, तो जब ये बातें हमेशा रही है और आप जो सुनते हैं वही आपके आपको इफेक्ट भी करता है, तो जब कभी बात नहीं हुई मुस्लिम सोसाइटी के प्रॉब्लम की, उनके विमेन के इश्यूज की, तो लोगों के दिमाग में भी उतनी बात नहीं गई। आज की डेट में मैंने देखा है कि बहुत सारी मुस्लिम विमेन खुद ये बात कहीं ना कहीं मानने लग गई हैं या एक्नॉलेज करने लग गई हैं कि है तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ, इनफैक्ट मैन भी मानने लग गए। तो उतना चेंज तो जितना हम चाहते हैं देखना हमें नहीं मिल रहा, बट स्टार्टिंग आपको दिखना स्टार्ट हो जाती है। फिर ये जब ये एक होता है ना, ये एक सिस्टम बन गया, उस सिस्टम में हम पैदा हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो हम विक्टिम तो हमें बचपन से बना दिया जाता है। अब अगर हम एक पल को अपने रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस से निकल भी जाएं, जो हमें मौलवी सिखाता है और ये सब चीजें, लेकिन हम वो विक्टिमहुड से नहीं निकल पाते, बिकॉज हम जब लिबरल हिंदू की तरफ देखते हैं वही हमें बोल रहा होता है भाई तुम विक्टिम हो, जिसे हमने बहुत रेस्पेक्ट किया होता है तभी हम अपने रिग्रेसिवनेस से बाहर निकले होते हैं। तो आप इंटरनेशनल मीडिया पढ़ रहे हो तो आपको लगता है हाँ है तो बहुत ज्यादा, देन देर आर सर्टन केसेस हो जाते हैं, जैसे कि अभी जो बुल्ली बाई ऐप हुआ था या फिर अभी जो बिल्किस बानो का भी केस हुआ, तो वो केस को वो इस तरह से रिप्रेजेंट भी करते हैं बहुत सेलेक्टिवली। सेलेक्टिवली इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि बुल्ली बाई ऐप भी है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे मुस्लिम लोगों ने हिंदू लड़कियों के पिक्चर शेयर किए, ग्रुप्स बनाए हैं, बट क्योंकि हिंदू सोसाइटी ने कभी उसको आउटरीच करके इशू नहीं बनाया तो हमारे सामने नहीं आया। जब बुल्ली का भी तो आउटरीच बंद हो गया क्योंकि बंदा कांग्रेस बहुत ज्यादा होती है रेदर देन अगर आप हिंदू कम्युनिटी से मिलाओगे, वो फेयरनेस बिल्कुल गायब हो जाता है, सिर्फ ये दिखता है कि मैं थोड़ा तो है तो हम विक्टिम तो हैं। तो ये जब विक्टिम हो नहीं जाता और जब ये डिस्ट्रस्ट अपनी मेजोरिटी के लिए इतनी ज्यादा होती है, तो डिस्पाइट हैविंग सो मच यू वुड बी रेडी एंड ईगर टू एक्सेप्ट कि सीए में तो हमको ये निकाल ही देंगे, ये लाए इसीलिए क्योंकि आपको डिस्ट्रस्ट इतना है मेजोरिटी से। तो जब ये ब्रिज गैप करने की बात करते हैं तो मैं बोलती हूँ ब्रिज गैप चलो आप हिंदू से बात कर लोगे, वहां तो बहुत बात होती रहती है, वहां तो शास्त्र होता रहता है, आज की डेट में वो थोड़ा ज्यादा नाराज है लेकिन वो फिर भी सुनेंगे। इस कम्युनिटी में जो इतना डिस्ट्रस्ट फैला रखा है अपने हिंदू कम्युनिटी को के लिए, उसको कौन एड्रेस करेगा? उसको तो आप एड्रेस करते नहीं हो, आपने डायरेक्ट उसमें रिलीजन का हाथ भी है लेकिन मतलब यूज किया है आपने उसको, लेकिन उससे ज्यादा आपने विक्टिमहुड इंडस्ट्री यूज की है और उसमें बहुत सारे हिंदू नामों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया हुआ है एंड वो बहुत पावरफुल हिंदू नाम है। वो ऐसा नहीं है कि दे आर लाइक जिनका कुछ है नहीं, दे आर लाइक वेरी पावरफुल नेम इन इटसेल्फ। तो ये जो पूरी इंडस्ट्री इकोसिस्टम बनी है इसको तोड़ना पड़ेगा और धीरे धीरे ये चीज जो है ये समझाना कि आपके फेयर क्रिटिसिज्म का ये मतलब नहीं है कि आप पे अटैक हो रहा है, सिस्टम वही पर है, सिस्टम में कोई अनफेयरनेस नहीं है आपके खिलाफ। जिस तरह से हिंदू कम्युनिटी अगर क्रिटिसाइज होती है तो आप क्यों नहीं होंगे? जिस तरह से हिंदू कम्युनिटी ने अपने अंदर की गलतियों को माना और रिफॉर्म किया तो वही चीज आप क्यों नहीं करोगे? ये चीज धीरे धीरे स्लोली स्लोली आएगा चेंज। टू बी फेयर अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूंगी कि इंटरनेट वही करेगा मुस्लिम सोसाइटी को जो प्रेस ने किया था क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, बट टाइम लगेगा, मे बी 50 ईयर 60 ईयर, बट इतना तो लगने वाला है अकॉर्डिंग टू मी।
ये आप ने कई बार मदरसों की बात करी है और आपने बताया कि सेक्युलर एजुकेशन आपके ग्रोथ के लिए कितना ज़रूरी था, पर हमारे देश में मतलब कई हज़ार मदरसे हैं और वहाँ पर पढ़ाई के नाम पर बहुत कुछ किया जाता है। इतने इतने गंदे वीडियोस हैं जहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा है, मतलब टू अ पॉइंट वेयर रोज़ के रोज़ फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है बच्चों के साथ, लड़कों के साथ भी सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है बहुत, इवन लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, हर जगह हो रहा है। बट इन पे कोई ओवरसाइट नहीं है क्योंकि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के नाम पे चलाए जाते हैं और उसमें कोई सेक्युलर एजुकेशन जहाँ पर आपको साइंस या ज्योग्राफी या मैथ्स या कुछ भी और सीखने को मिले रिलीजन के अलावा, वो भी वन रिलीजन, जबकि आप देश में एक मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस देश में रहते हैं, एक सेक्युलर देश में रहते हैं, तो वहाँ पर इन मदरसों का कोई मतलब क्या हो सकता है? लाइक मैं अपना पॉइंट रख देती हूँ, मुझे लगता है कि टू अ सर्टेन पॉइंट रिलीजियस एजुकेशन इज नेसेसरी टू बी मेंटेन्ड टू पास ऑन कल्चर, बट आई डेफिनेटली थिंक देयर शुड बी ओवरसाइट, बट इट कैन नॉट ओनली बी अलाउड, एक तो गवर्नमेंट फंडेड नहीं हो सकता, अगर सेक्युलर नेशन है तो गवर्नमेंट फंडेड नहीं हो सकता। तो आपके क्या विचार है? पहले तो मैं सोचती थी कि मदरसों की बिल्कुल ही जरूरत क्या है, क्योंकि मतलब जो चीज़ मैं अपने लिए चाहती हूँ या जो मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए चाहूँगी वो मैं सबके लिए चाहूँगी, राइट? तो वो मैं अपनी कम्युनिटी के उन गरीब बच्चों के लिए भी चाहूँगी कि आखिर ये क्या करेगा ज़िंदगी में मदरसे से पढ़ कर, मौलवी बन जाएगा बहुत होगा तो, बट उसके अलावा तो कुछ ना तो करियर ऑप्शन है ना लाइफ में बहुत कुछ है सीखने समझने को, वो पॉसिबल नहीं होगा उसके लिए। सेक्युलर एजुकेशन, मैं ये नहीं मानती कि सेक्युलर एजुकेशन ही सारा आंसर है, आपको बहुत पढ़े लिखे लोग भी मिल जाएंगे जो टेररिस्ट बनना भी चूज करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बट इट डजंट मीन कि ये बिल्कुल भी आंसर नहीं है, इट आल्सो हेल्प्स अ लॉट, आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड करता है, ये आपको सोचने समझने की शक्ति देता है। उसके बाद आप क्या चुनते हो, कम से कम ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं तो चाहती थी कि मदरसे होने ही नहीं चाहिए, जब हमारे पास इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी है तो बच्चे क्यों मदरसे में पढ़े। फिर लेकिन एक ये भी पॉइंट आया कि मदरसे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, वो पढ़ाई वहाँ पे बहुत जो है सस्ती पड़ जाती है लोगों को, कुछ लोगों को। ठीक है, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ है और आपको लगता है कि उसको बिल्कुल बंद कर देना घाटे का सौदा होगा, आप उसको अपग्रेड कर दीजिए। एक सुबह के टाइम पे अगर वो बच्चा कुरान एक घंटा पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद उसकी सारी एजुकेशन अलग होगी। टीचर्स आपके मौलवी नहीं हो सकते, एक मौलवी सिर्फ कुरान पढ़ा सकता है, लेकिन जो साइंस पढ़ाएगा वो साइंस का टीचर फिर आप हायर कीजिए वहाँ पे, मैथ का टीचर हायर कीजिए, ज्योग्राफी का टीचर हायर कीजिए और उनको वही एजुकेशन दीजिए जो सारे बच्चों को मिल रहा है। आखिर ये तो मैं तो बोलती हूँ ये तो डिस्क्रिमिनेशन में क्यों नहीं काउंट होता, बेसिकली इतना डिस्क्रिमिनेशन चिल्लाते हैं ये, आपके बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली ये आपको डिस्क्रिमिनेशन चिल्लाना चाहिए, बट प्रायोरिटी खुद में गलत है। तो मैं मदरसों को बस ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की मैं ये इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि गुरुकुल का मकसद ही कुछ और होता था, जहाँ पे कोई मतलब पूरे लाइफ के बारे में सीखे, अपनी साधना, दिन की साधना सीखे, उसके बाद वहाँ पर साइंस और मैथ्स पर इंडियन तरीकों से, जो मतलब हमारे इंडियन मतलब ये तो किसी, आई डोंट थिंक कि ये सिर्फ हिंदू इंस्टीट्यूशंस में होना चाहिए, तो जनरल, बिकॉज इट्स एन इंडियन थिंग, इट वॉज बॉर्न इन दिस कंट्री। तो बट ये क्योंकि सेक्युलर एजुकेशन में आता नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि और कोई तरीका नहीं है, शायद ये कोई मठ या और गुरुकुल, और मठों के गुरुकुल ही सिखा सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है। पर हाँ, जहाँ तक कि आप जो कह रही हैं रिफॉर्म की बात, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मदरसे अपग्रेड कर दिए जाए तो शायद, मतलब बहुत ओवरसाइट चाहिए इसके लिए ऑफकोर्स, पर शायद वहीं से रिफॉर्म आए, वहाँ पे अगर शास्त्रार्थ उस तरह से किया जाए या वाद की बात आए। आई नो कि शायद ये बिल्कुल अभी बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ वायलेंस अलाउड नहीं है, पर क्या मदरसों से ये आ सकता है किसी जमाने में? ये देखिए, एक बात बताती हूँ मैं, मदरसे भी हमें लगता है सब एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ मदरसों देव बनते हैं जहाँ से वो उलमा बनते हैं, वहाँ जाते हैं लोग हिफ्ज करने यानी हाफिज बनते हैं एंड इस्लामिक हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ते हैं, वहाँ भी मैं कहती हूँ कि एक अपग्रेड होना चाहिए उनके, उनको भी उनके एजुकेशन में आज के वक्त के मॉडर्न एजुकेशन भी उनको बोलना चाहिए कि आप इसको
इंक्लूड करो। दूसरे मदरसे होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं जो मोहल्ले में होते हैं, तो वो मदरसों में वो थोड़ा बहुत मैथ साइंस भी पढ़ाते हैं, लेकिन स्टिल वो उतना अप टू डेट नहीं होता है एंड वो गरीब बच्चे ज्यादातर पढ़ने चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ अब तो राइट टू एजुकेशन आ चुका है, आप अच्छे स्कूल में भी अपने बच्चों को डाल सकते हैं। वो चीज़ एक बहुत बड़ा ये भी प्रॉब्लम है, आई नो जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है कि वो बोलते हैं जब लड़कियों को प्रेफरेंस मिलता है और वो स्कूल में डाल देते हैं तो वो स्कर्ट पहनेंगी, ड्रेस उनको निकाल देते हैं, ये भी एक इशू आता है। तो उसमें एक ये माइंड सेट, गेटोस का जो माइंड सेट है वो बहुत रोल प्ले करता है कि वो पढ़ने भेज देंगे लेकिन वो मदरसा है तो वो ज्यादा फील करते हैं सेफ। अब ये सेफ क्यों फील करते हैं और ये अनसेफ क्यों फील करते हैं जब वो ब्रेस्ट ऑफ चला जाते हैं, यही डिस्ट्रस्ट ऑफ मेजोरिटी, डिस्ट्रस्ट ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड और जो उनको सिखा दिया गया है नॉन मुस्लिम, ये चीजें जो है एक रियल प्रॉब्लम है मुस्लिम सोसाइटी की जो कोई एड्रेस ही नहीं करता है। तो जो लोग उसको तोड़ के बाहर आ जाते हैं उनका तो वेल है ऑफ, आप उनसे मिलती हैं आपको दिखता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं तोड़ के आ पाते वो आज भी वहाँ सफर कर रहे हैं, और सिर्फ वो अकेले सफर नहीं कर रहे, वो इंडिया को भी सफर करा रहे हैं, क्योंकि देखिए वो हमेशा इंडिया का पार्ट रहने वाले हैं। और जब कोई कम्युनिटी या लोग खुद में सेल्फ रिलायंस नहीं होंगे तो वो इंडिया पे ही बर्डन बनेंगे इन द एंड। तो इसलिए बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि हिंदुओं को क्यों केयर करनी चाहिए कि मुस्लिम रिफॉर्म हो रहे हैं नहीं हो रहे, मैंने कहा अगर आपको मुस्लिम का नहीं है लेकिन आपको इंडिया का है तो भी आपको होना चाहिए, बिकॉज इंडिया तो हमेशा फिर उनको अपने ऊपर रखेगा ही ना, एंड वहां से अगर कोई ऐसे एलिमेंट निकलते हैं जो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल टाइप के हो तो वो भी तो इंडिया को ही मार पड़ेगी ना, किसको पड़ेगी। तो और आप उनके साथ कोई अलग इंडिया के दो पार्ट नहीं होने वाले हैं, आप उनके साथ ही उठेंगे बैठेंगे जिएंगे, तो वहां भी रिफॉर्म आना बहुत जरूरी है। अब हिंदू सोसाइटी ने खुद को रिफॉर्म कर लिया, ये बर्डन ही सही उनके ऊपर, बट ये बर्डन अगर वो निभाएंगे तो वो ओवरऑल इंडिया का भी बेटर होगा। तो मदरसे भी बहुत तरह की है, उसमें जो ये मदरसे हैं उसमें रिफॉर्म स्टार्ट भी हो गया है। यूपी के अंदर जो मिस्टर जावेद करके पासमांदा मुस्लिम है, उन्होंने इनफैक्ट इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बोला कि यहाँ पे स्टार्टिंग होगी जनगण मनगण से, जो मदरसों में होता भी था लेकिन अब सब में लागू करके कंपल्सरी कर दिया है। इसलिए मैं थोड़ा पासमांदा इशू पे और भी बात करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि जो पासमांदा लोग हैं वो शायद कहीं ना कहीं नॉर्मल इंडियन मुस्लिम से ज्यादा उसी सत्र से आते हैं, तो उनको उनके बच्चों की भले की भी लगी होती है, तो ये भी एक रोल प्ले करता है। तो वहाँ पे जिस तरह से वो चेंजेस ला रहे हैं, आई होप कि और भी जो मदरसे बोर्ड है वहाँ के लोग इतना चेंज ले आए कि वो मदरसे में और नॉर्मल स्कूल में कोई फर्क ही ना रहे। एंड जो देवबंद के स्कूल है जहाँ से हाफिज वगैरह निकलते हैं, आई थिंक उस पर भी एक बहस तो होनी चाहिए, इतना आप फ्रीली इसको ना जाने दे तो बेटर होगा। एक आई थिंक एक आखिरी सवाल है जो मतलब ये बात करने में मुझे थोड़ा अजीब लगता है, निकाह लाला की बात है और आज भी आया है न्यूज़ में, आई थिंक स्वाति कौल शर्मा ने इस पर बोला है कि एक मौलवी साहब है जो अपने मस्जिद में शादी करा रहे हैं, निकाह करा रहे हैं जहां पर दूसरे बार शादी करने के लिए औरत को निकाह लाला नहीं करना पड़ेगा। तो ये अनबिलीवेबली बहुत ही बड़ा स्टेप है कि औरत का रेप नहीं होगा शादी करने से पहले, तो इस बारे में आप क्या सोचें कि कहीं ना कहीं लोग कुछ लोग कम से कम जागरूक हो रहे हैं। ये जो उन्होंने शेयर किया था ये सबसे पहले फैजी जो है फैजी अहमद फैजी जो पार्टनर था उन्होंने शेयर किया था, वो आज से दो साल एक साल पहले तो मैंने भी शेयर किया था। तो ये जो लोग ये सारे अंसारी ही है मतलब, और ये जो गाफिल अंसारी साहब है ये एक्चुअली गवर्नमेंट उसमें रह चुके हैं, पोस्ट पे रह चुके हैं, काम किया उन्होंने, प्लस इनकी ही लिखी हुई बुक थी जिसको साइट किया था ट्रिपल तलाक के केस में, ट्रिपल तलाक अबॉलिशन में भी। तो ये लोग मतलब पहले से काम कर रहे हैं, बट मैं ये बात भी बोलती हूँ कि जो लोग काम करते थे ना हमेशा मुस्लिम सोसाइटी में रिफॉर्म के भी, कभी मीडिया ने उनको हीरो नहीं बनाया, कभी उनको आगे लेके नहीं आए, वो आगे लाते हैं किसको, शी हीरोज जो इस्लामिस्ट होगी, ठीक है, तो ऐसे लोग तुरंत हीरो बन जाते हैं या शैला राशिद बन जाएगी, बट ये लोग या जिन्होंने ट्रिपल तलाक के केस में जो पांच औरतें थीं जिन्होंने दायर किया था, या फिर वो औरत जिसने हलाला के खिलाफ पिटीशन दायर किया है और उसके ऊपर तेजाब से भी अटैक हुआ है, हमें उसका नाम नहीं पता चलेगा, बड़ी मुश्किल से हमें ये जो ये है भारतीय महिला संगठन
भारतीय मुस्लिम महिला संगठन, उसका नाम थोड़ा बहुत मालूम पड़ा जकरिया जी का, वो काफी उन्होंने काम किया इसलिए। बट उनकी जो रिसर्च आते हैं, जो रिसर्च मैंने शेयर किए थे, उन्होंने 10 स्टेट में मुस्लिम औरतों से रिसर्च किया था, 90% मुसलमान औरतों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं है कि अगर हमारे कोई मुद्दे हैं तो ये है क्या चीज, मतलब ये हाल है इकोनॉमिकली बैकवर्ड, मतलब जो थी उसमें से तकरीबन 80-90% औरतों ने बोला था कि हम चाहते हैं सर्वे में कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मुद्दों में, सिविल मुद्दों में जो है इंटरफेयर करे ताकि हमको हमारे राइट्स मिल सके। 92% ने बोला कि हम पॉलीगैमी के खिलाफ है, ये बंद करवाना चाहिए, मुस्लिम औरतें। बट आपको ये इस तरह के रिसर्च, इस तरह के वॉइसेस कभी नहीं सुनने को देंगे। तो इसी में का ये कड़ी है कि ये एक साल से ये कर रहे हैं, 2-3 मौलवी हैं, उन्होंने अपना तरीका निकाला, उन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया, और आप वहां पे जाइए। क्योंकि एक और है, हलाला के नाम पे इंडस्ट्री भी आपको मालूम पड़ेगा कि बकायदा बना रखी है इन्होंने, जहां मौलवी पैसे लेते हैं, हलाला कराते हैं और खुद औरतों के साथ वो हम बिस्तरी और ये जो भी करना है करते हैं। तो इस तरह की जिन्होंने अपनी एक खोल रखी है, आप उसको क्या बोलेंगी, मतलब एक प्रोस्टिट्यूशन या धंधा या जो भी है, तो वो तो उनको तो बहुत बुरा लगेगा ना कि ये हो रहा है। बट आई एम सो हैप्पी कि पाशमांदा कम्युनिटी के अंदर जो लोग समझदार हो रहे हैं, उसमें जो पढ़ लिख ले रहे हैं, वो इन बातों को समझ रहे हैं कि हमें कितनी जरूरत है हमारे सोसाइटी को इस चेंज की, जो अशराफ कम्युनिटी ने बिल्कुल ही नहीं किया डिस्पाइट बीइंग इलीट, क्योंकि उनको तो इलीटिज्म है ना, तो उनको ये चीजों की फर्क नहीं पड़ती, वो इस्लाम अपने तरीके से फॉलो करते हैं, उनको कोई कभी उंगली नहीं उठाएगा। आप ये बात आप समझ सकती हैं, बिकॉज दे हैव एवरी मीन, उनकी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, दे डोंट नीड दिस रिफॉर्म, नहीं भी होता है तो उनकी जिंदगी में फर्क नहीं आएगा। राणा अय्यूब पार्टी करेगी, शॉर्ट्स पहनेगी है ना, और फिर भड़काएगी इस्लाम के नाम पे। लेकिन जो रिलीजन के हमेशा जो वो साइड होते हैं ना, रिग्रेसिव साइड, वो हमेशा नॉर्मल लोग फेस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो पाशमांदा कम्युनिटी में, पूरा पाशमांदा मुसलमान नहीं, वहाँ बहुत प्रॉब्लमेटिक माइंडसेट है, बट जो उनके लीडर्स बन रहे हैं, जो इन चीजों को समझ पा रहे हैं कि कुछ गलत है, वो कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे बदलाव लाने की, विच मेक्स मी होपफुल ऑल्सो। तो ये खुशी की बात है, एंड बहुत खुशी की बात है कि स्वाति जी ने इसको कवर किया, क्योंकि उनके कवर करने से ये बात थोड़ा ज्यादा फैलेगी और भी मुस्लिम इस बात को जानेंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये जो आप कह रही हैं ना कि यही आवाज़ें आगे आए, ये मेनस्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करती, उम्मीद है कहीं ना कहीं मेनस्ट्रीम मीडिया अब बदल जाएगी आस्ते आस्ते थोड़ा बहुत। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जैसे बोलने लगे हैं, ये आवाज़ें हम लोग को शायद पहले कभी सुनने को नहीं मिलती थी। क्या पता, मतलब अगर आप लोग नहीं होते तो शायद और भी लोग, और भी हिंदू लोग आप वैसे ही ट्रीट करते कि नहीं मतलब रहने दीजिए, वो उनकी बात है, हम क्यों गुस्से, औरतों की बात नहीं है, तब वो मुसलमानों की बात हो जाती है, जबकि मतलब यू नो दे वो जो एक टुगेदरनेस या सिस्टरहुड बोलिए वो मतलब बाकी पूरी दुनिया में है, बट मुस्लिम वुमेन शुड बी आउट ऑफ दैट। तो मैंने कितने हिंदू दोस्तों से सुना, वो तो अपनी मर्जी से करती है, जो भी करती है अपनी मर्जी से करती है, अगर उनका मर्जी ही कंडीशन है एक तरीके से, तो कौन सी उनकी मर्जी, उनको पता ही नहीं उनकी क्या मर्जी, उनको कभी वो हक नहीं मिला है कि ये क्यों बोलती है कि वी आर कंडीशंस टू थिंक लाइक दैट, वी आर कंडीशंड एंड ब्रेन वॉश टू बिलीव दैट वी आर लाइक लेसर ह्यूमन बीइंग, ये बातें तो करती है, तब वहां पे कंडीशंस की बात आ जाती है। वी आर कंडीशंस टू वियर मंगल सूत्र एंड ये हाँ, मतलब मैंने बहुत सुना है। एक तो मैंने सुना था वो जो मुझे बहुत अनुष्का शर्मा ने जब शादी की थी तो उसने वो लगाया था ना, मांग भरी थी तो बोला कि शी इज इंडोर्सिंग पैट्रियार्कल सिंबल्स है ना, तो मैंने मैंने कहा कि वो लेडी बिकनी भी पहन सकती है, वो लेडी को शादी करना था तो उसने ऐसे किया, तुम उसको बैश कर रही हो, वो एक्चुअली रियल में हमारे उसमें माना जाता है, जहाँ पे दो एक यू नो एक लड़का लड़की साथ में रह लेते हैं और वो बोलते हैं कि हम शादीशुदा हैं, वो भी हिंदू मत से शादी होती है जो हमारी वैदिक शादी होती है, मतलब वो उसके कई सारे रिचुअल्स अभी जिंदा भी नहीं है जो ये शादी होती है, मतलब हर जगह की खैर अलग अलग शादियां होती है, बट उनको नहीं करने की जरूरत है अगर उनको ये नुआंसेस ना तो सुनेंगे और ना ही वो सच्चाई देखेंगे। रीजन चाहिए ना, मतलब हिंदू कम्युनिटी को बैश करने का रीजन चाहिए। तो मतलब आई एम ग्लैड दैट आप लोग जैसे लोग
बोलते हैं एंड आपकी चैनल आपका चैनल बहुत पॉपुलर हुआ है, बहुत जल्दी पॉपुलर हुआ है, तो आशा करती हूँ कि मतलब और बढ़ते रहे और जल्दी आप लोग को बहुत सारे और दर्शक मिल जाए. आप लोग देख रहे हैं तो कृपया करके इंडिया दिस वीक बाय खालिदा नामना सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर बहुत मशहूर गेस्ट आते हैं और काफ़ी आई थिंक हफ्ते में दो बार ही तो रिकॉर्डिंग होती है, तो बहुत बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, उनका चैनल काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू. एंड अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज सागर रुका को भी आप फॉलो कीजिए, शी इज अ वेरी वेल रेड एंड वेरी वेल लर्न, काफी कुछ सीखने को मिलेगा. जी धन्यवाद अमना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आई एम श्योर कि हमारी बातें चलती रहेंगी ऑफलाइन भी, और चैनल पर आने का फिर से अगर मौका मिले तो हम बहुत खुश होंगे कि अगर आप आए तो, पर इस बार आने के लिए और टाइम बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. नेक्स्ट टाइम आए.